कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे, जगकर देखिए संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पूर्व तनिक अधिक काला हो जाता है। कुछ समझे? हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती है, तो यही समस्याएं एक भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है, और ऐसे परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, भय खा जाते हैं। परंतु यदि आप हार ना माने, भय ना खाएं, दृढ़ रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य उदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है, जितना विशाल उतना दृढ़। पतझड़ में वो सूख जाते हैं, परंतु दुर्बल नहीं होते, टूट कर गिरते नहीं। और उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखिए, वो दिखने में तो बड़े होते हैं, पतझड़ आए या शीत सदा हरे भरे होते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जल धारा के हल्के से वेग से वो गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? कारण है जड़े। जिसकी जड़े दृढ़ भूमि में है, वो हर चक्रवात हर ऋतुओं को सह लेता है, और जिसकी जड़े दलदल में है, वो स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है, जो अधर कुकर्म और असत्य की धरा पर उपजा है, वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता। और जो मनुष्य सत्य धर्म की धरा पर उपजा है, वो हर समस्या से अविचलित हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हों, या फिर अपने शत्रुओं के बारे में। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है, या फिर हमारे शत्रुओं के अहित के लिए। हम हर स्थान या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं, या फिर अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न रहे। हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु यदि मैं आज आपको ऐसा मंत्र सिखाऊं जिससे आप अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर दे, तो, और वो मंत्र है मित्र बनाना। अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए, और आपके सारे शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूं? मैं दिए प्रज्वलित कर रहा हूं ताकि अंधकार को मिटा सकूं। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात समझने के लिए यह है कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं, और मैं अंधकार नहीं कर रहा हूं। क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का अस्त्र तो उठाना ही पड़ता है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से लड़ा जाता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा का साथ लेना होता है। ठीक उसी प्रकार एक लोहा लोहे को काटता है, परंतु एक ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में विजयी होना है, तो अपने शस्त्रों को अपने अस्त्रों को सोच समझ कर उठाइए, क्योंकि एक अनुचित सोच
परिणाम पर भारी प्रभाव डाल सकती है। आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या मैं करने लगा, मैं इस पौधे को जड़ से उखाड़ रहा हूं। आश्चर्य हो रहा है ना कि एक पौधे को उखाड़ना या काटना ना केवल एक अपराध है अपितु पाप भी है। तो फिर मुझे ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि कई बार विनाश ही सृजन तक पहुंचाता है। यदि नया भवन बनाना हो तो पुराने भवन को गिराना पड़ता है, व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति लानी पड़ती है। और उसी प्रकार यदि किसी वृक्ष या किसी पौधे की जड़ों में घुन लग जाए या उसका मूल सड़ जाए तो उसे जड़ से उखाड़ देना ही श्रेयस्कर होता है, ताकि उस स्थल पर नए पौधे उपज सके। युद्ध करना पर्याय नहीं, परंतु कभी कभी शांति के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। सार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? फूल या कांटे, प्रेम या घृणा, संपन्नता या दरिद्रता, मित्र या शत्रु, बताइए। अब आप भी कहेंगे कि भला ये कोई पूछने की बात हुई? अवश्य, फूल, प्रेम, संपन्नता और मित्र ही श्रेष्ठ है। परंतु क्या आपने अपने जीवन में कभी सोचा है कि हर एक भाव, हर एक वस्तु, हर एक घटना का एक गुण धर्म होता है? त्वचा पर जलन करने वाले फूलों से अधिक श्रेष्ठ वो कांटे हैं जिनसे आप अपने घर की बाड़ बनाते हैं ताकि वन्य पशु आपके भीतर ना आ सके। वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं जो आपको अंधा, लोभी, पक्षपाती बनाता, वो घृणा श्रेष्ठ है जो आपको नया मार्ग दिखाता, वो संपन्नता श्रेष्ठ नहीं जो आपको कृपण बनाता, मतदान बनाता, वो दरिद्रता श्रेष्ठ है जो आपको जीवन में परिश्रम करने की शिक्षा दे। कुविचार देने वाले, बुरा मार्ग दिखाने वाले मित्रों से अधिक श्रेष्ठ वो शत्रु होते हैं जो हमें जीवन का लक्ष्य देते। इसलिए अपने जीवन में हर वस्तु, हर भाव, हर घटना के गुण धर्म को पहचानिए और उसके पश्चात अपना चयन कीजिए। स्वर्ण, हम सभी को अपने जीवन में स्वर्ण से कभी ना कभी कुछ ना कुछ थोड़ा या अधिक मोह होता ही है ना? परंतु क्या आपने कभी सोचा कि स्वर्ण को प्राप्त कैसे किया जाता है? जब भूमिगत खदानों से स्वर्ण को निकाला जाता है तब वो एक पाषाण की भांति होता है, ऐसा पाषाण जिससे आप किसी को भी मार सकते हैं, परंतु उसे आभूषण के रूप में स्वयं के शरीर पर धारण नहीं कर सकते। यदि उसे आभूषण बनाना है तो उसे लंबी यात्राएं करनी होती है, उस पाषाण को पिघलना होता है, सुनार के हथौड़ी की अनेकों चोटें खानी पड़ती है, फिर काट छाट और उसके पश्चात जाकर वो ऐसा आभूषण बनता है जो हमें वर्षों तक, सदियों तक लुभाता रहता है। इसलिए यदि आपको समय पर विजय पानी है तो स्वयं के निर्माण पर समय देना होगा। हम सभी सुनते आए कि जो वीर होता है, साहसी होता है, शौर्यवान होता है, उसके समक्ष सारा संसार झुकता है, वीर भोग्य वसुंधर। परंतु वीरता है क्या? शौर्य क्या है? साहस क्या है? साहस युद्ध नहीं, वीरता विजय नहीं, शौर्य कभी ना गिरना नहीं। साहस किसी चुनौती के समक्ष खड़े होने का भाव है, तो वीरता उस चुनौती को उत्तर देने के लिए पूर्ण परिश्रम लगा देना है। और शौर्य, शौर्य का अर्थ है गिरकर फिर से उठने का साहस रखना, बार बार प्रहार करके वीरता दिखाना, निरंतर प्रयास करते रहना, निरंतर परिश्रम करते रहना।
इसलिए विजयी होने से अधिक महत्वपूर्ण है शौर्यवान होना, क्योंकि जो शौर्यवान है उसे विजय मिलना निश्चित है।